बाबा दीप सिंह गुरु गोविंद सिंह के एक मजबूत सिख थे। वे प्रकांड विद्वान थे। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते और भगवान के ध्यान में लीन हो जाते। 70 साल की उम्र में भी वह एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा थे। उनकी बातों में इतनी ताकत थी कि जब वे कुछ करने का वादा करते थे तो वह जरूर पूरा करते थे। शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म 20 जनवरी 1682 को अमृतसर जिले के पाहुविंद गांव में हुआ था। 12 साल की उम्र में वह अपने माता पिता के साथ 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के लिए आनंदपुर साहिब गए थे। अपनी यात्रा के दौरान वे संगत की निस्वार्थ सेवा में लगे रहे। जब उनके माता पिता के गांव जाने का समय हुआ तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को वहीं रुकने और उनकी सेवा करने के लिए कहा। विनम्रता के साथ बाबा दीप सिंह जी ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और सेवा को समर्पित यात्रा पर निकल पड़े। बाबा दीप सिंह जी एक समर्पित सिख कम उम्र में सीखने की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने गुरबानी की पवित्र लिपि गुरुमुखी को पढ़ने और लिखने का ज्ञान प्राप्त करने और इसकी व्याख्या में तल्लीनता से शुरुआत की। गुरुमुखी के अलावा उन्होंने कई अन्य भाषाओं में महारत हासिल की। आध्यात्मिक नेता गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें घुड़सवारी शिकार और हथियार चलाने जैसे कौशल भी प्रदान किए। 18 वर्ष की आयु में 1700 में शुभ वैसाखी के दिन बाबा दीप सिंह जी को पूज्य गुरु रूप पंच प्यारे से धन्य खंडे दी पौल अमृत प्राप्त हुआ। एक अमृतधारी सिख होने के नाते उन्होंने अकाल पुरख की फौज सर्वशक्तिमान की सेना में सेवा करने और कमजोर लोगों की सहायता करने सच्चाई का समर्थन करने और न्याय की मांग करके खालसा मार्ग को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। बाबा दीप सिंह जी ने शीघ्र ही गुरु गोविंद सिंह जी के प्रिय शिष्यों में से एक के रूप में एक विशेष स्थान अर्जित कर लिया। बाबा दीप सिंह जी ने 8 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा की। गुरु जी के अनुरोध पर वह घर लौट आए, शादी कर ली और बाद में 1705 में तख्त श्री दमदमा साहिब में गुरु जी से मिले। वहां उन्हें पता चला कि गुरु के 2 बेटे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी युद्ध में शहीद हो गए थे। गुरु जी ने उन्हें ये भी बताया कि उनके छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को गवर्नर वजीर खान के आदेश के तहत सरहिंद में क्रूरतापूर्वक जिंदा ईंटों की दीवार में चुनवा कर मार दिया गया है और वे शहीद हो गए हैं। 1706 में गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को श्री दमदमा साहिब का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया, जबकि भाई मनी सिंह जी अमृतसर में श्री हरमंदर साहिब में प्रमुख ग्रंथी बने। गुरु साहिब के दिल्ली जाने के बाद बाबा दीप सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रतियां बनाने का काम संभाला और इस सिख केंद्र को चलाने में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दी गई सेवा को जारी रखा। टकसाल का अर्थ है वह स्थान जहां चीजें बनाई जाती हैं। श्री दमदमा साहिब एक ऐसा स्थान बन गया था जहां सिख अपने हथियार बनाने और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने का सही तरीका सीखकर अपने दिमाग को गुरबानी से समृद्ध करने के लिए आते थे। परिणाम स्वरूप विद्या और शस्त्र विद्या का ये केंद्र दमदमी टकसाल के नाम से जाना जाने लगा। बाबा दीप सिंह जी ने सिख सिद्धांतों का प्रचार करने और संगत की सेवा करने के लिए कई वर्ष समर्पित किए। वह जरूरतमंद लोगों की सहायता करने और न्याय के लिए खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। 1709 में बाबा जी ने बाबा बंदा सिंह जी बहादुर के साथ मिलकर सढ़ौरा और सरहिंद में अत्याचारियों को दंडित किया। बाद में 1733 में खालसा सेना के कमांडर नवाब कपूर सिंह जी ने पंजाब भर में खालसा समूहों के एक संयुक्त निकाय दल खालसा के भीतर एक समूह के नेता के रूप में बाबा जी को नियुक्त किया। फिर 1748 में वैसाखी के दिन जब दल खालसा को 12 मिसलों में पुनर्गठित किया गया तो उन्हें शहीदा एंटी मिसल का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। अप्रैल 1757 में अहमद शाह अब्दाली अपने चौथे आक्रमण के दौरान बंदी बनाई गई बहुत सारी मूल्यवान चीजों और लोगों के साथ दिल्ली से काबुल वापस जा रहा था। सिंहों ने खजाना वापस पाने और कैदियों को मुक्त करने की योजना बनाई। बाबा दीप सिंह जी का समूह कुरुक्षेत्र, जिसे कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है, के पास तैनात था। वे कई कैदियों को छुड़ाने में कामयाब रहे।
लाहौर छोड़ते समय अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर शाह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया और उसे सिखों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इन आदेशों के बाद तैमूर शाह ने गुरुद्वारे को नष्ट करना शुरू कर दिया और सरोवरों को मलबे और शराब से दूषित करना शुरू कर दिया। जब बाबा दीप सिंह जी को इस बेअदबी और श्री हरमंदर साहिब के विध्वंस के बारे में पता चला तो उन्होंने तख्त श्री दमदमा साहिब में मंडली के साथ खबर साझा की और घोषणा की कि उस वर्ष दिवाली अमृतसर में मनाई जाएगी। 500 सिंह स्वेच्छा से उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए और अमृतसर के लिए निकलने से पहले बाबा दीप सिंह जी ने प्रार्थना की, मेरा सिर श्री हरमंदर साहिब में गिरे। वह अपने लोगों के सामने खड़े हो गए और कहा, उन्होंने हमारी मातृभूमि पर आक्रमण किया है, उन्होंने हरि मंदिर साहिब पर कब्जा कर लिया है, वे बहुत सारे हैं, हम थोड़े हैं, लेकिन हमें लड़ना होगा, नहीं तो हमारा क्या फायदा। यदि तुम मरना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। उन्होंने अपनी भारी लंबी डोधारी तलवार निकाली और जमीन पर एक रेखा खींच दी। सभी आदमी उसकी तरफ बढ़ गए। जब तक मैं हरिमंदिर साहिब में सिर नहीं झुका लेता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, बाबा दीप ने वीरतापूर्वक घोषणा की। उन्होंने जोर जोर से बोले सो निहाल कहते हुए अमृतसर की ओर मार्च किया। जब वे विरोधियों से मिले तो उनकी संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उन्होंने अपने पास मौजूद हर चीज के साथ आक्रमण किया और युद्ध किया। उस दिन अनेक महान शूरवीरों ने अपने शरीर त्याग दिए। हालांकि कई गुना अधिक दुश्मन थे, सिखों ने उनमें से बहुतों को मार गिराया। बाबा दीप एक खूंखार शेर की तरह लड़े और अपनी भारी तलवार से कई लोगों के सिर काट दिए। तभी शत्रु सेनापति बाबा दीप को चुनौती देने के लिए मैदान में आए। जब वे युद्ध कर रहे थे तो कई लोग भय से देख रहे थे। बाबा दीप ने एक जोरदार प्रहार जनरल पर किया, साथ ही जनरल ने भी बराबर का प्रहार किया जिससे बाबा दीप सिंह का सिर कट गया। ये देखकर एक सिख ने उनकी अमर आत्मा को पुकारा और कहा, बाबा जी आपने हमसे कहा था कि जब तक आपका सिर दहलीज पर नहीं झुक जाएगा आप आराम नहीं करेंगे। यहाँ आप हरि मंदिर साहिब से 3 मील दूर मरने के लिए तैयार हैं। आप वापस नहीं जा सकते, आपने वचन दिया था, इससे हमें निराशा होगी और गुरु के प्रति आपके वचन के साथ विश्वासघात होगा। हालांकि अब उनका सिर उनके शरीर पर नहीं था, लेकिन बाबा दीप ने ये पुकार सुन ली। उनका शरीर हरकत करने लगा और जमीन से ऊपर उठने लगा। उन्होंने एक हाथ से अपना सिर उठाया और वापस अपनी गर्दन पर रख लिया। अपने दूसरे हाथ से वह कई लोगों को इस सांसारिक जीवन से बाहर भेजते हुए आगे बढ़ते गए। शत्रु चकित रह गए। उन सिखों से युद्ध करना काफी कठिन था जो पहले ही नहीं मरे थे, अब उनका नेता सिर कट जाने के बाद भी लड़ रहा था। वे डर गए और कई भाग गए। कुछ दूर तक आगे लड़ने के बाद बाबा दीप सिंह ने अपना सिर उठाकर आसमान में उछाल दिया। उनका सिर हरिमंदिर साहिब के विश्राम स्थल तक पहुंचने के लिए मीलों तक उड़ गया। उन्होंने तब तक आराम न करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी की जब तक उनका सिर इसकी दीवारों के भीतर न झुक जाए। उनकी आत्मा ऊपर उठ गई और वह आसानी से सार्वभौमिक आत्मा में विलीन हो गए, जैसे पानी की एक बूंद सागर में मिल जाती है। वह एक महान संत थे, उनकी स्मृति सदैव जीवित रहे।